हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दो शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद्द, फर्जी प्रमाण पत्र को ले कार्रवाई, 13 और पर लटकी है बर्खास्तगी की तलवार। 22 शिक्षकों में से 7 के प्रमाण पत्र सही पाए गए। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह कार्रवाई फरवरी में हुए संपन्न सक्षमता परीक्षा 0.1 में शामिल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच में उजागर हुई गड़बड़ी के आधार पर शुरू की गई है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रवि शास्त्री ने बताया कि सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में जिला के 22 शिक्षकों को संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया था। इसमें एक ही नाम के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र के नाम पर एक से अधिक शिक्षक शिक्षिका की नौकरी करने का मामला मिला था। चिन्हित शिक्षकों को प्रमाण पत्रों के साथ जांच के लिए पटना बुलाया गया था। जांच के बाद दो नियोजित शिक्षिकाओं को फर्जी मानते हुए दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालय मरवरिया के रीता कुमारी एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमालपुर के प्रीति सोनम शामिल है। 22 शिक्षकों में से 7 के प्रमाण पत्र सही पाए गए। सक्षमता परीक्षा 0.1 में शामिल हुए नियोजित शिक्षकों में से 13 और शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि जिला में चिन्हित हुए 22 शिक्षकों में से 2 को बर्खास्त किया जा चुका है व जांच में 7 शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। सूची में शामिल 13 शिक्षक शिक्षिका जांच के लिए पटना में उपस्थित नहीं होने वाले इन 13 शिक्षकों को एक और अवसर दिया गया है। जांच में उपस्थित नहीं होने वाले शिक्षकों को फर्जी मानकर उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। तो दो शिक्षिकाओं की नियुक्ति जो है फिर रद्द हुई है, जो सक्षमता परीक्षा के दौरान मामला सामने आया था। एक ही प्रमाण पत्र पे कई बहाल थे, जिसमें से 2 शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद्द हो गई है और 13 और पर बर्खास्तगी की तलवार जो है वो अटकी हुई है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।